उत्कंठा जागी कि मैं आपसे मिलकर के आपका दर्शन, आपके चरणों का स्पर्शन करूं, तो मैं गया क्षीर सागर। अब नदी में चलने के लिए एक रूप की आवश्यकता थी, तो मैं कछुआ बन गया, क्योंकि कछुआ धीरे धीरे चाहे जितना गहरा समुद्र हो पार कर सकता है, ये कछुए में सामर्थ्य है। मारा आपसे जिस समय मैं क्षीर सागर में गया, आपसे मिलने गया था मैं सागर, क्या हुआ हमको मिले थे कौन ये गुण सागर, हम लीला को तुम रीजो जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी हो, ऐसी लगाई मुस्कारी चरणों से दूर हो गया, ऐसी लगाई मुस्कारी चरणों से दूर हो गया, केवटी अपनी नैया को लाओ, नैया को ला के पार लगाओ, केवटी अपनी नैया को लाओ, नैया को ला के पार लगाओ, माता पिता ने वन को पठाया, लक्ष्मण सीता साथ मिलाया, हम तो तुम पार अब करते नहीं, हम तो अभी तक पार किया को नहीं, नैया को अपनी भैया लाओ, नैया को अपनी भैया लाओ, हमें पार कर दो अभी, नैया को अपनी भैया लाओ, बहुत देर से हम पास खड़े हैं, नाव लाते लाते बहुत देर कर दी, नाव लाते लाते बहुत देर कर दी,
प्यारी हो ऐसी लगाई मुस्कारी टीचर लोग से दूर हो गया ऐसी लगाई मुस्कारी टीचर लोग से दूर हो गया ऐसी लगाई मुस्कारी टीचर लोग से दूर हो। अब हमें तो यही लग रहा है कि उतराई का कोई चक्कर है भाई। तुम देख रहे हो कि हम इस समय वन में हैं, तुम्हारी उतराई देने के लिए तो कुछ है नहीं। नहीं, आप वन में हो कि पन में हो? नहीं, वन में है। अच्छा, हमें लगो पन में हो। नहीं, पन में नहीं रहते। यही दया करियो महाराज, सबन से हम हताश हो जाए, तुम पन में चले गए तब तो दुनिया खत्म। नहीं सुनो महाराज, आप अगर सोच रहे होंगे कि हम केवल उतराई के लोभ के चक्कर में, उतराई के लोभ, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप हमारे स्वभाव से परिचित हो गए होंगे, इतनी देर से हम निवेदन आपसे कर रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं हो, लेकिन हम बता रहे हैं प्रभु। पति कमल धोई चढ़ाई ननाव नाथ, नाथ उतराई चहो सपथ सब साची कहो। देख ले, हमने कहा था ना, जन्म जन्म के दुश्मन यही है। हमारे मुंह से शब्द निकलो नहीं कि धनुष बाण तुरंत तैयार होगा। सुनो लखनलाल, आज तुमने धनुष उठाओ सो हमने लठ उठाओ। बिल्कुल, क्या करोगे, मारोगे क्या? नहीं मारेंगे नहीं, ये कहां से, लठ उठाने का मतलब का मार नहीं हो, लठ उठाए मजे से निकल ले। मारे थोड़ी, और ठाकुर के लड़का का हम उठाओ जो ना वहां हम सब ले जाए सो का हम मर तो जाए मारा मत भूखे। सुनो लखनलाल, आज गर्मा गर्मी के काम नहीं है, आज आज केवल प्रेम से काम बना लो। तुम तो बड़े रंग बाज हो धनुहा लेके क्यों डराते हो। लेकिन एक बात समझ लो, आज अगर इस घाट में कुछ मारा मारी भाई और धोखे से हम मरे सो दुनिया आपसे चार बातें पूछे। केवट का अपराध क्या था भाई? अपराध क्या था? पांव धोना चाहता था, ये अपराध है? किसने मारा? लखनलाल जी ने। किसको मारा? एक गरीब केवट को। कहां मारा? गंगा के घाट में। और किसके सामने मारा? स्वयं श्री राम जी के सामने। हमारी तो सब उंगलियां घी में है महाराज, तुम ही फंस गए। ठीक, तो हमें मारवे से आपको गुस्सा शांत नहीं हुए है महाराज। और आप हैं क्रिकेट लवर, ये क्रिकेट प्रेमी ग्राम परछा के, आप सभी क्रिकेट प्रेमियों की ओर से 51 मुद्राएं। सुंदर संवाद में बहुत बहुत धन्यवाद लखनलाल जी। आपसे हम एक ही निवेदन करेंगे, अगर आपको करना है कुछ ना तो बरतीर मारहु लखन पे, जब लग्न पाव पखारी हो तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार।
उतारी हो, क्योंकि केवट का संशय साधारण नहीं है, साधारण केवल एक ही है, बस वो एक का उत्तर अभी तक नहीं मिल रहा है। नाव ना नारी, ये नाव ना नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से, प्रभु ने पार उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा, प्रभु ने पार उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा, चौद वर्ष का बन दिया है पिता ने माता ने, चौद वर्ष का बन दिया है पिता ने माता ने, लेख नहीं मिट सकता जो लिख दिया विधाता ने, केवट भैया बार बार बातें करत काहे मन रिझावत हो, जिनके पास अखिल भुवन है वो हमरी नाव मगावत हो, काहे दिखावत हो लाज गर गुमानन की, देकर छलिया सो छलिए छलावत हो, ऐसे ना खड़े हो राम हमरे त्यू सामने, काहे केवट की जान का छलावा छलावत हो, ऐसी सब बातें अच्छी नहीं लगत है मारा। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, देखो अब तुम रारा मचा रहे हो। अच्छा हाँ। अब ये आप बताओगे हमें कि हम रार मचा रहे हैं? ज्ञानू के कारण नहीं नहीं है? हाँ। ये अब आप हमें बताओगे कि रार कौन मचा रहा? और आप हैं श्री बीरपाल राजपूत जी पुजारी परछा वालों की ओर से 21 मुद्राएं। बहुत सुंदर। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, अरे पार तो लगाओ हमें पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें पार तो लगाओ, मीठी मीठी बातन में हमें ना रिझाओ, मीठी मीठी बातन में हमें ना रिझाओ, पार तो लगाओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, झूठ ही ना राखो हमें तो
जबरदस्ती हम तो लड़ नहीं रहे, हमारी का औकात जो हम तुमसे लड़े। गरीब आदमी की बड़े आदमी से लड़बे की औकात है? कहे कहे दोस्ती करो बराबर वाले से। और आपकी ना तो दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ती अच्छी है, दोनों बातन में गड़बड़ी है महाराज। झूठ ही ना राखो तुम दोषी बनाओ, भुलाओ पहले पाप पे भुलाओ, पाप भुलाओ पहले पाप पे भुलाओ। माता पिता ने वन हमको बठाए, लखन सिया को हम साथ मिलाए, जन्म जन्म से नौका चलाए, आए तो राखो फिल्म सहाए। तुम्हें अपनी बातन में हमें ना भरमा, गोल गोल बातन में हमें ना फसाओ, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, पिछले जन्म की ना याद तुम दिलाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ। और केवल भैया रघुरैया हो गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, हो हम वनवासी बन में आए बन में लेने हैं हमको कहूं तो रमने हैं, हो गंगा मैया का चहुर विस्तार है या विस्तार है वह विस्तार है, कछुआ पार है कछुआ पार है कछुआ पार है कछुआ पार है। गंगा मैया कछुआर विस्तार है, यहाँ विस्तार है वहाँ विस्तार है, जैसे या पार है वैसे व्यापार है, जैसे या पार है वैसे व्यापार है, जैसे या पार है वैसे व्यापार है। हमारे लिए नहीं है, क्यों? क्योंकि कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। और कहे बातल में अपनी रिझाए रहे हो, वो कहे बातल हाँ कहे बातल हो, कहे बातल में अपनी रिझाए रहे हो। राम जी काहे 16 दुनिया तुम पढ़ाए रहे हो, और ये चरण धुलने की बात कर रहे हो? हाँ वो लखन सीता सीता लखन सीता लखन सीता की सेवा छुड़ाए रहे हो, भक्ति के भाव से जगाए रहे हो। तुमने कहा कि इनसे हमारी क्या दुश्मनी, दुश्मनी तो इतना ही है कि जो कार्य उनका है वो तुम कर रहे हो। ऐसा नहीं है मारा, आपने कहा कि लखन सीता की सेवा छुड़ाए रहे हो ना महाराज, समुद्र से एक बूंद हम भी ले लेंगे हमारा भी भला हो। वो नहीं देना चाहते, वो नहीं देना चाहते तो पूरो हम हजमई न हो दे। हाँ लखन सीता सीता लखन सीता की सेवा छुड़ाए रहे हो, चाहे भक्ति के भाव से जगाए रहे हो, चाहे भक्ति के भाव से जगाए रहे हो। भगवान राम जी का एक नाम कौतुकी कराला भी है, कौतुकी कराला माने खेल करने वाले, ये समय समय पर अपने भक्तों के साथ में भी कौतुक करते रहते हैं, और यहाँ केवट जी के साथ में खेल कर रहे हैं।
मन ही मन भगवान मुस्कुरा रहे हैं और अंतोगत्वा भगवान ने वही किया। कृपा सिंधु मुस्कुराते हुए केवट से कहा, सोई कर जही तो नाव न चाही, केवट भैया बेज्ञान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारी पारू। प्रभु हमें विलंब हो रहा है, अपना कठौता ले आओ, हमारे चरणों को पखार लो। चलो कम से कम आप बोले तो हम आप ही के केवल प्रतीक्षा कर रहे रहे। महाराज अब हम अकेले नहीं, इतनी देर से धूप में जो तुम खड़े करे रहे हो ना, तो पहले तो हम ही से काम चल जातो, लेकिन अब तुम धूप में हमका खड़े करे रहे हो तो थोड़ी देर और बैठो, हम अपने परिवार का बुला ले। परिवार है तो या वाला नहीं सागा वाला, या तो कुछ सुधर का है, सगा वाला बहु बर्बाद है। ये सगा नहीं, ये सगा ही है लेकिन चाचा ताऊ कक्का दद्दा के हैं। अच्छा हम आओ खुद को अच्छा। जेके पाछे ये काजर की मूछे बनाए घूम रहे, हमारी मेहरिया सीधी मूछे जमन नी पाई सुधर के उखा ले। अब महाराज हम काजर की बनाए या घूम, बुला ले बुला ले बुला ले, आओ थोड़ी देर बैठो। जय हो मैया। और श्री अलख राम राजपूत जी उनके बच्चे।